हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की है। और दो चार दिन पहले जब मैं पढ़ा रहा था तो स्टूडेंट बैठे हुए थे मेरे सामने और उनका सवाल यही था, सर ये टेम्पलेट्स क्यों यूज होते हैं? ये देख सकते हैं यहाँ नॉर्थ विंड इश्यूज, यहाँ एसेट ट्रैकिंग और फिर यह कॉन्टैक्ट और फिर और भी बहुत सारे जो टेम्पलेट्स हैं यहाँ पर। अगर क्लिक करेंगे आपको नेट से कनेक्टेड रहना होगा, ध्यान ये देना है आपको, यहाँ से आप नेट से कनेक्टेड हो जाइए तभी ये काम करेगा, ठीक है। जैसा कि देख रहे हैं मैं नेट से कनेक्टेड हूं, अगर मैं कॉन्टैक्ट पे क्लिक करता हूं तो ये कॉन्टैक्ट का एक डेटाबेस है, ठीक है। जैसे ही क्रिएट पर करूंगा क्लिक तो ये डाउनलोड होने लगेगा, ये थोड़ा टाइम लेगा और फिर ये डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहां पर देखिए ये डाउनलोड हो रहा है, थोड़ा टाइम देते हैं इसे, देखते हैं कितना टाइम लेता है और ये डाउनलोड हो गया। तो ये देखिए ये एक टेम्पलेट है, टेम्पलेट है, इसको यूज कैसे करेंगे? जैसे न्यू कॉन्टेक्ट है तो न्यू कॉन्टेक्ट में एंट्री करनी है तो यहाँ पे न्यू कॉन्टेक्ट पे जाइए और ये सारा यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं। इस तरह से ये डेटाबेस आप चाहे तो देख सकते हैं, इसको कैसे क्रिएट किया गया है पूरा आपको डिटेल मिल जाएगा, यहाँ से सारी चीजें आप देख पाएंगे। ये देखिए यहाँ से अगर आपको जाना है कॉन्टेक्ट नेम तो यहाँ से आप ये चीज भी सर्च कर पाएंगे, सेव कर पाएंगे, सेव का बटन तो बनाना मैंने सिखाया ही था, तो ये सारी चीजें आप कर पाएंगे बहुत ही इजीली, ठीक है। यहां से सेव कर पाएंगे, यहां से ईमेल कर पाएंगे, यहां से क्लोज कर पाएंगे इसको, ठीक है। अगर मैप देखना चाहते हो तो यहाँ क्लिक मैप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप मैप भी देख पाएंगे। तो अभी यहाँ पर ये मैप नहीं दिखाएगा क्योंकि हमने अभी कोई डेटा एंटर नहीं करा, तो इस तरीके से ये आप कर पाएंगे। तो ये एक आपको बेसिक आइडिया जरूर प्रोवाइड करेगा कि आप कैसे एक सॉफ्टवेयर डेवलप करें। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत हेल्प जरूर मिलेगी। अगर वीडियो पसंद आती हो तो इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।